ब्लू वाला। ठीक है, लिया मेरे भाई। भाई मेरा कैमरा मैन इतना तो जानता हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। होप कि आप सब ठीक हो गए। सो ऑलरेडी मैं गणपति को लाना लेट हो चुका हूँ घर पे मेरे। सभी लोग रात को ही ले आए घर पे अपने, और मैं अभी तक नहीं लाया। एंड मैं अभी उठा हूँ, मुँह धो के फटाक से मैं जाता हूँ पप्पा को लाता हूँ घर पे। एंड ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला आप लोगों को, तो एंड तक बने रहो। एंड हम फर्स्ट टाइम बिठा रहे घर पर गणपति, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल डे आज के लिए, बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए। तो चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, घर पे गणपति बप्पा आ चुके हैं। एंड अभी फटाक से पंडित जी ने कॉल किया कि सब सामान तैयार करो। एंड मैं आ रहा हूँ घर पे, तो पंडित जी भी जल्दी से आ रहे हैं। तो फटाक से मैं नहा के तैयार होता हूँ। मैं अभी सुबह तक नहाया नहीं, इतना टाइम हो गया। तो पंडित जी आ रहे हैं, उनकी तैयारी भी करनी है एंड पूजा भी कराना है। अभी गणपति जी की स्थापना कराना है, तभी इनका मुँह खुलेगा, तभी हम देख पाएंगे। एंड फटाक से मैं नहा के तैयार होता हूँ, तो चलते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, मैं हो गया हूँ तैयार। आप लोग देख सकते हो मैं कैसा लग रहा हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। घर पे सभी रेडी हो गए। मेरी बहन भी रेडी तैयार हो गई है एंड मेरी मोम भी तैयार हो गई है। माँ पापा भी आ चुके हैं। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो शुद्धो दक्षिणानांते वस्त्र। आज अभी हम जा रहे हैं हवन का पूजा का सामान लेने, बिकॉज आज मेरे गणपति बप्पा का लास्ट दिन है। 5 डेज़ का मैंने किया था एंड शाम को विसर्जन करने का है। सो अभी हम जा रहे हैं हवन का सब सामान लेने एंड थोड़ी शॉपिंग करेंगे, रात को क्या पहनेंगे क्या नहीं, एंड फटाखा वगैरह भी लेने का है। तो पंडित जी 12 बजे का टाइमिंग दिए हैं, अभी बज रहा है 11, तो फटाफट से जाके सामान लेके आते हैं। एंड आज मुझे इतनी खुशी हो रही ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो चलते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा क्या होने वाला है आज, क्या नहीं होता है। तो एंड तक बने रहो, चलते हैं। गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ एंड मतलब इधर से दौड़ भाग कब से कर रहा हूँ। इन बारिश में भीग गया था, बहुत पसीने पे पसीना आ रहा है। सो पंडित जी भी आ गए, सब पूजा का सामान रेडी हो गया, हवन का भी सामान रेडी हो गया। तो चलते हैं एंड हवन का पूजा कराते हैं एंड जो भी है करते ही लेते हैं, फिर शाम को मचाते हैं। डांस वीस करने वाला है, तो चलते ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। गणपते नमः स्वाहा। ओम देवताय नमः स्वाहा। ओम असुराय नमः स्वाहा। ओम असुराधारिणे नमः स्वाहा। ओम कमलाय नमः स्वाहा। ओम कांताय नमः स्वाहा। पुनातु ओम नारायणाय नमः। नारायण पुनातु। ओम माधवाय नमः। माधवपुरातो ओम हस्तो प्रच्छन्न ऋषिकेशाय नमः पवित्रः। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। मंदिर मामा की जय। अरे गणपति बाप्पा मोरया। ये मंगल मूर्ति। आराम से आराम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने सोचा नहीं था कभी मैं कि पापा को घर पे ले आ पाऊँगा। एंड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई है, जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा बेहतर हुआ है। एंड मैं 2-3 साल पहले से सोच रहा था क्या घर पे पापा को लाऊँगा, बट लाते लाते 2-3 साल कब गुजर गया पता नहीं चला। एंड मैं 1 मंथ पहले ही डिसीज़न लिया कि मुझे घर पे पापा को लाना है तो लाना है। सो बस मैंने 1 महीने पहले अरेंजमेंट किया सब कुछ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इतना कुछ अकेले किया है। और आप सबको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।